बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं उम्मीद कर रहा हूँ सब लोग खैरियत से होंगे, अल्लाह ताला के फजल करम से आज का व्लॉग करते हैं शुरू। तो आज जो है ना, माशाल्लाह सुबह सुबह इतना प्यारा मौसम बन गया और हल्की की जो है ना बारिश भी स्टार्ट हो रही है। तकरीबन सुबह के हुए भी थे, इस वक्त 4 हो गए थे, तो मैंने बाहर जो है ना देखा था बारिश इस वक्त जो है ना स्टार्ट हो चुकी थी। और मैं भी जो है अभी मैं जाता हूँ और ये देखो परिंदे, माशाल्लाह माशाल्लाह, मौसम चेक करें माशाल्लाह। तो मैं इसी वजह से जो है ना आया हूँ ऊपर। माशाल्लाह बहुत ही ठंडा मौसम बना हुआ है और आप लोग सोच रहे होंगे कि मेरा काफ़ी व्लॉग क्यों नहीं आया। तो व्लॉग इस वजह से नहीं आया, मुहर्रम का महीना अभी शुरू हो गया और तो इसी वजह से मुहर्रम का भी एहतराम बहुत ज़रूरी है। और कल 14 अगस्त थी तो हमने इसी वजह से जो है ना नहीं मनाई, क्योंकि 14 अगस्त जो है ना कल 5 मुहर्रम थी, तो इसी वजह से जो है ना 14 अगस्त को ही हमने जो है ना झंडियाँ वगैरह और इस तरह कोई भी जो है ना सेलिब्रेट हमने नहीं की। खैर आज 6 मुहर्रम हो चुकी है और पता नहीं आपको ये बात पता होगी या नहीं पता होगी कि हमारे घर जो है ना 7 मुहर्रम अल अहराम को जो है ना मातमदारी होती है। तकरीबन 12:30 बजे होती है हमारे घर मातमदारी। तो आज 6 मुहर्रम है और कल जो है 7 मुहर्रम है, तो जो है ना कल से ही हमारे मोहल्ले में जो है ना जुलूस भी स्टार्ट हो जाएगा। तो क्या आज भी 1-2 घर में हो जुलूस, लेकिन मुझे सही पता नहीं है। तो इसी वजह से कल 7 मुहर्रम को हमारे घर जो है ना मातमदारी है और आज मैंने जो है ना घर में बहुत ज़्यादा जो है ना काम भी करवाने पड़ेंगे, क्योंकि हमारे घर जो है ना, आपको मैं एक मिनट दिखाता हूँ, वो वहाँ से गेट से जो है अंदर मातमी आते हैं और यहाँ सहन में इतनी जगह नहीं है, तो वो जो है ना अंदर हाल में जाते हैं। तो हाल में आज मैंने जो है ना बहुत ज़्यादा जो है ना काम करवाना है, क्योंकि हाल में जो है अगर मातमी जाएंगे और वहाँ पे जो है चरपाई भी उठानी पड़ेगी, सोफ़ा भी उठाना पड़ेगा, कूलर भी उठाना पड़ेगा और भी काफ़ी सारी चीज़ें जो है ना वहाँ से हटानी पड़ेंगी। आज मेरी यही ड्यूटी होगी कि आज मैं जो है ना कल 7 मुहर्रम है, तो इस वजह से जो है ना मैं काम भी ज़्यादा जो है करवाऊँ। और आपको एक और चीज़ दिखाता हूँ, ये जो सा अमरूद का दरख्त लगा हुआ है, ये हमारे घर के साथ एक और घर है, तो वहाँ पे ये अमरूद का दरख्त लगा हुआ है। तो यहाँ आप देख सकते हैं, वो देखिए आप, ये देखें अमरूद कितने बड़े बड़े माशाल्लाह हो चुके हैं। तो ये मैं तो नहीं उतारता, तो जो हमारे घर छोटे बच्चे आते हैं तो वो छत पे भी चढ़े रहते हैं। मैंने आपको कई व्लॉग भी उठाया भी है और आपने देखा भी है, तो वही कभी कभी उतार लेते हैं, लेकिन मैं उनको मना भी करता हूँ कि ना उतारा करो, ऐसी बुरी बात होती है। तो इस वजह से आप देख सकते हैं अभी माशाल्लाह बहुत ही बड़े हो गए और तकरीबन 1-2 और आगे भी उस साइड पे, वहाँ आगे भी लगे हुए 2-3 आगे भी लगे हुए। और आज संडे है और आज हमें जो है कॉलेज से भी छुट्टी है, तो आज मैंने कॉलेज भी नहीं गया, तो आज काम भी बहुत ज़्यादा करवानी है। अभी मैं अंदर कमरे में आया हूँ और मैंने पंखा जो है ना वो बंद किया हुआ है, इस वजह से बंद किया हुआ है क्योंकि बाहर मौसम जो है ना अच्छा हो गया और ठंडा हो गया मौसम, तो अभी पंखा लगाने की नहीं है ज़रूरत। आप में से किस किस ने बचपन में इस तरह अगर लाइट गई हुई हो तो इस तरह जो है ना किया हो कि सामने जो है वो देखे परछाई है, तो साया है सामने, और मैं इस तरह कर रहा हूँ कोई भी शेप में बनाता हूँ तो सामने बन जाती है, ये देखें। तो मैं भी बचपन में इस तरह बहुत ज़्यादा करता था, जब हमारे घर लाइट चली जाती थी तो कोई भी छोटी सी लाइट ऑन हुई हुई होती थी, मैं ऐसे सामने दीवार के आगे हाथ रख के ना, अभी ये मोबाइल की लाइट आने हुई है ना, ठीक है, तो मैंने इसके सामने हाथ रखा हुआ है और वो देखे सामने जो है ना इसी तरह शेप बन रही है जैसे जैसे मैं बना रहा हूँ। खैर आप लोग सोच रहे होंगे कि ये कमरे में तो आ गया लेकिन इसने लाइट तो ऑन ही नहीं की, तो लाइट मैंने ऑफ की हुई थी, अभी मैंने लाइट ऑन कर दी है। तो अभी मैं जो अंदर आया हूँ तो अम्मी जो है ना अभी नाश्ता जो है ना बना रही है, जब नाश्ता बनेंगे उसके बाद नाश्ता करेंगे, तो उसके बाद मैंने जाना है बाज़ार, बाज़ार में जो काम है वो फिर करेंगे। देखें ये भी बारिश हल्की भी शुरू हो गई है बारिश, मैं भी जा रहा हूँ बाहर, दूध वाला आया हुआ है, दूध लेते हैं अभी, वो 7 वाले गाड़ी गए हुए आते हैं तो फिर दूध लेते हैं। और बाहर इस तरह कुछ मौसम बना हुआ है, पहले जब मैंने भी स्टार्ट की थी इस वक्त मौसम इस तरह भी बारिश नहीं हो रही थी और अभी बारिश भी स्टार्ट हो गई है। मैंने दूध ले लिए और वो अभी खड़े में
मोबाइल दरवाजे के साथ लग गया था। अभी जाते हैं जी अंदर। और जी अभी मैं अंदर आया हूँ और नाश्ता भी हमारा तैयार हो चुका है। अंदर अंडा है और इधर साथ पराठे हैं। आए हाय। और अभी ये हमारी आ गई है जी चाय। मैं अभी नाश्ता करने लगा हूँ। नाश्ता करने के बाद मिलते हैं जी। मैंने नाश्ता कर लिया और अभी जो है ना जो काम है वो मैं करूँगा। बाज़ार अभी जाना है। सबसे पहले तो अम्मी जान ने बोला कि गोश्त लेके आना है, तो क्योंकि मेहमान आने हैं तो सोचे थे गोश्त लेके आना है, तो वो बस अभी मैं लेने जाऊँगा गोश्त। और उसके अलावा और भी जो चीज़ें अम्मी जान ने बोलेंगी तो वो भी लेके आनी है। तो अभी मेरी अगर आवाज़ आपको आहिस्ता आ रही है तो इसके लिए माज़रत, क्योंकि मैं अभी भी जो है ना उठा था और मैंने व्लॉग को जो है ना स्टार्ट कर दिया था, तो आहिस्ता आहिस्ता जो है मेरी आवाज़ भी सही हो जाएगी। जो अभी मैं अंदर से लेने गया हुआ था और रात को तकिए के नीचे मैंने रख दी थी। मैंने अभी सुबह जो है ना कमीज़ के पॉकेट में अंदर देखे तो नहीं थी। अब इसका लॉक खोल दें। अंदर मैंने खड़ा किया हुआ था, अभी बाहर मैंने निकाला और अभी तो ये गेयर में हुआ है। अभी एक मिनट स्टार्ट करते हैं। ये जी अभी स्टार्ट हो चुका है और ये देखें अभी गियर में नहीं है, ये ग्रीन लाइट है ये। और ये देखिए जी हमारे मोहल्ले में कितना ज़्यादा जो है ना इस साइड में पानी खड़ा हुआ है। और उस लड़के का जो है ना मोटरसाइकिल बताएं पेट्रोल ख़त्म हो गया है क्या, ऑन नहीं हो रहा उसका। और ये अंदर जो है ग्राउंड सा बना हुआ है, इसके अंदर तो बहुत ज़्यादा पानी खड़ा हुआ होगा। यार मैं अभी गया हुआ था गोश्त की दुकान पे, तो वो दुकान अभी नहीं जो है खुली, तो जब खुल जाएगी तो उसके बाद चलते हैं। अभी तो दुकान की तरफ आ रहा था और ये भी एक लड़का है, इसका भी जो है पेट्रोल ख़त्म हो गया, ये भी पेट्रोल पंप पे जा रहा है। तो बहुत ही बुलक्कड़ हूँ, मुझे गोश्त नहीं मिला तो मैं सीधे जो घर वापस आ गया। लेकिन ये रस भी लेनी थी तो ये भी फिर दोबारा वापस गया हूँ रस लेने गया हूँ। और ये जैम भी लेना था, ब्रेड भी लेनी थी, फिर दोबारा वापस गया हूँ बाज़ार और बाज़ार से ये सारी चीज़ें। और ये कौन खड़ा हुआ है, ये मेरे पिछले कई व्लॉग्स में आया भी है। अभी उठियो नाश्ता तो खा चुके हैं, अभी सुबह छत पे आए हुए। अभी टाइम हो चुका है जी 10:30 हो चुके हैं। आज अरेन ये भी मेरा सब्सक्राइबर, आप मेरी वीडियो देखते हो आप मेरी वीडियो देखते हो ना, ये मुझे बताता है तुम पार्क में कहाँ गए हुए होते हो। अभी तुम भी वीडियो में आ गए हो, अभी भाग रहे। तो मुझे फरहान की कॉल आई है कि आओ हमारे घर मुझे लेने के लिए, क्योंकि अभी मुहर्रम का महीना भी स्टार्ट हो गया और यहाँ भी जो है ना वो जो है ना जुलूस भी होते हैं, उसने मेरे साथ जाना होता है। तो पहले वो मेरे साथ आना था लेकिन उसकी छोटी सिस्टर हुई तो वो मेरे साथ नहीं आया, तो आज उसने फिर मुझे कॉल की कि मुझे आओ लेने। तो फिर मैं अबू जान के साथ जो है ना अपने अबू के साथ फिर घर में चला जाऊँगा। अभी उसके गाँव में जा रहा हूँ तो वहाँ पर जा कर उससे मिलते हैं। तो मैं अभी आया हूँ सर्विस स्टेशन पर, और अभी सबसे पहले घर से मैं जब निकलना था तो मैं फिर गया हूँ वो जो पेट्रोल पंप पे शेल पेट्रोल पंप, वहाँ से मैंने पेट्रोल डलवाया। और अभी सीधे यहाँ पे आई हूँ सर्विस स्टेशन पे, बाइक बहुत ज़्यादा गंदी हुई थी तो मैंने सोचा कि जो है ना सबसे पहले इसको सर्विस करवा लूँ। और आर्यन भी आज मेरे साथ जाएगा। आर्यन साथ जाएगा, साथ जाओगे? अच्छा इधर आओ, बोलो यस यस। अभी ये जो है ना ऊपर से ये टॉवल उतारेंगे और इसको वॉश करेंगे। अभी सुबह का टाइम है तो अभी कोई गाँव उनके पास नहीं आया, सबसे पहले मैं ही आया। और अभी सूरज भी निकल आया है और वो सामने है कि वहाँ पर गाँव बना हुआ है। आपको एक बार याद होगा मैं जैसे मेरे पुराने सब्सक्राइबर हैं, मैं वहाँ पे आगे गया हुआ था जशन था, और ये साथ मेरे जो है ना दोस्त का घर है। और ये कमरा बना हुआ है, अंदर ये अंदर मशीनें वगैरह पड़ी हुई हैं। हम वहाँ पे खड़े हुए थे तो उन्होंने बोला कि इधर आ जाओ, इधर कुर्सियाँ भी पड़ी हुई हैं दरख्त के नीचे ठंडी छाँव में, तो इधर जाके बैठ जाओ। और वो अभी उन्होंने टॉवल उतारा है और अभी इसको वॉश करने लगे। आर्यन मज़ा आ रहा है कितना? क्या साइकिल? अच्छा इधर हो,
आज इसे कुछ टेस्ट देते हैं। बोलो ओके। अच्छा बोलो यस। बोलो नो। नो। अच्छा बोलो हाँ। बोलो थैंक यू। क्या? अच्छा बोलो सॉरी। चोई। बोलता कि है जो जो मैंने इससे लफ्ज़ पूछे वो बोलता है, लेकिन अभी ये छोटा है ना तो वो सही तरह को जो है ना नहीं पढ़ पाता, सही तरह से बोलने नहीं होता वो लफ्ज़, लेकिन बोल लेता है वो लफ्ज़। वो ये जो है ना इसको मैं बोलता है कि मुझे कार्टून लगा के दोस्तों, मोबाइल पे जो कार्टून लगा के वो जो है ना इंग्लिश वाले होते हैं ना, तो उस पर वो जो है जो इसको समझ आती है वही फिर घर में ऐसे बोलता रहता है ओके इस तरह। तो माशाल्लाह अभी ये स्कूल भी नहीं अभी गया, तो इसको पहले इंग्लिश वाले लफ्ज आ गए। और उधर जी हमारा मोटरसाइकिल वॉश हो रहा है, तो बोलते हैं डीजल वो लगा रहे हैं। जो से आदमी हैं वो मेरी तरफ बार बार देख रहे हैं कि ये मेरी तरफ कभी कैमरा करता है, कभी खुद इस तरह जो है ना फेस टू फेस कैमरा करते हैं, क्या कर रहे हैं बार बार ये कर क्या रहा है लड़का कल लिया। और बाइक को सर्विस करा के फरान भी घर जाना है, फरान को लेके जब आएंगे तो फिर हमने शाम को जाना है, बेगों का ऑर्डर भी देना है, तो क्योंकि कल हमारे घर मातमदारी होगी तो देगे भी जो है ना ऑर्डर देना होता है, तो कल मातम जा रही है, तो कल फिर तकरीबन 11 बजे जो है ना उनको बोल दूँ कल 11 बजे हमारे कल जो है ना देखे आ जाएँ, तो फिर शाम को भी जाना है उनको, उनको जो है ना बोलना है ऑर्डर देना है जो जो काम होगा उनसे फिर बात वो करेंगे। हाय हाय जो है ना ये टक्कर माशाल्लाह से ठंडी जो है ना अच्छा हूँ आए तो हरियाणा का मोह गिफ्ट करके बैठे हुए। वैसे तो मैंने इसको लेके नहीं आना था, लेकिन ये कहता है रोने लग पड़े उधर लेके आना पड़ गया। ना करो टूट जाएगी, ना करो इस तरह नहीं करते, टूट जाएगी, टूट जाएगी ना। वे नाराज हो गए। अच्छा आ दे। धूप पे नहीं जाना। अच्छा धूप पे नहीं जाना। तो बाइक हमारी एकदम चमक गई है और अभी इसका जो है ना ऊपर टावल लगाते हैं और फिर चलते हैं जी। तो अभी टावल भी लग चुका है और अभी हम लोग जाने लगे हैं जी। चलें हरियाणा, ये भी काफ़ी देर से वेट कर रहा था, हम लोग उधर बैठे हुए थे और अभी शुक्र अभी हो गई है, तो अभी चलते हैं जी हम लोग। मैं पहुंच गया था और फिर मैं जो है ना फरहान लोग के घर अंदर चला गया था, अभी हम लोग जो है ना जाने लगे हैं, फरहान अभी बाहर आ चुका है और मैंने इधर गली में मोटरसाइकिल आज खड़ा किया हुआ था, वो साइड पे जो है ना धूप थी जी। अली मोटरसाइकिल चला रहा है, कह रहे अली मोटरसाइकिल चला रहा है। तो अभी जो सामान था वो भी हमने साथ इधर लगा लिया और अभी हम लोग जाने लगे हैं। चलें फरहान। अच्छा ये आप बताओ कि आपने कलर लगाए हुए ना, ये इसको क्या कहते हैं, ब्लीच? ब्लीच कहते हैं। हाँ इसने वो देखी, ये इसने ये देखे, ये आपके बाल अभी अच्छे लग रहे हैं। आपने भी लगाया हुआ है ब्लीच? पता नहीं, मैंने तो अभी तक ट्राई नहीं किया हुआ। तो हमारी उसी नानो जान है वो इनके घर आई हुई थी, तो वो भी आज जो है ना हमारे घर जाएंगी, तो वो भी अभी जो है ना उधर घर के पास खड़ी हुई है, गली में मैंने खड़ा किया हुआ था। तो अभी जी चलते हैं जी, अभी जी हम लोग घर पहुंच के आपसे मिलते हैं जी। तो जी फरहान भी हमारे साथ घर में आ चुके हैं और ये अभी जो हमने दो चटाई खरीदी हैं इस वजह से, क्योंकि वो जो है ना कल जब मातमदारी हो जाएगी हमारे घर
उसके बाद हमारी गाड़ी जो है ना औरतें आती हैं, तो वो हाल तो खाली हो रहा होता है, तो नीचे उन्होंने बैठना होता है, उसके लिए चटाइयाँ दी है, ये जो नीचे बैठाने के लिए जो है ना बैठने के लिए चटाइयाँ हमने दी है। ये भी कूलर्स पड़े हुए हैं जिसमें कल पानी डालेंगे, ये भी धोने के लिए हैं। और चटाइयाँ कुछ ऐसी हैं दिखने में, ये बड़ी चटाई है ना, ये बड़ी है ना फुल साइज, और ये थोड़ी स्मॉल है, तो ये हैं जी दो चटाइयों। और फरहान साहब भी हमारे घर आ चुके हैं, अभी ये चटाई अंदर लेके जा रहे हैं। खोलो दरवाज़ा, ले जाओ। तो ये अभी अजान ख़त्म हो गई है। खैर आपको मैंने सुबह बताया था कि फिर जो है ना हमने जाना है, कल हमारी जो है मातमदारी है, तो पहले जो है ना देखो का भी आ गया, हमने देने जाना है। तो हम लोग गए हुए थे बाज़ार, तो वहाँ पे एक दो काम थे, तो वहीं से फिर हम जो है ना देखो वाली शॉप पे गए, तो वहाँ से जो है ना ऑर्डर हम लोग दिए हैं और उनको बता दिए कि कल हमारी गाड़ी 11 बजे आ जानी चाहिए। पहले भी हम लोग उनसे देखे बनवाते थे, तो वो टाइम पे भिजवा देते थे, जो सा उनको टाइम बताते हैं। तो आज जो है ना मैंने उनको बताया कि 11 बजे आप जो है ना देखिए हमारी गाड़ी भिजवा दीजिएगा, तो वो फिर भिजवा देंगी। हम लोग अभी ऑर्डर दे आए हैं। और ये जी हमारे कैमरामैन साहब, और ये जो सा मेरे पीछे टप्पड़ हो गया, ये मैंने उस वक्त आपको दिखाया था कि ये जो है ना सारे सामान जो है ना कूलर वगैरह ये हम लोगों ने जो है ना पानी इसमें डालना होगा। ये जो दो कूलर पड़े हुए इनमें तो पानी डालना है, और इसमें जो है ना अफजाल वाला शरबत बनाना है। तो कल हम लोगों ने जो है ना सबील भी लगानी है बाहर, तो इस वजह से हमारे घर तो दिन को जुलूस आएगा, तो सुबह जो है ना हम लोगों ने यहाँ से हमारी गली से जो है ना बहुत ज़्यादा जो है ना मातमी गुजर रहे होते हैं, तो उस वजह से हमने जो है ना सबील भी लगानी हो। और अभी हम लोगों ने जाना है बाज़ार, बाज़ार से जो है ना सामान ले गया है, मसलन जो अफजात भी ले गया है, उसके बाद जो है ना लेमन चाहिए होंगे वो भी ले गया है। तो अभी हम लोग जाने लगे हैं जी बाज़ार, और बाज़ार से जो है ना सामान ले के आते हैं, और हम लोग तो जा रहे हैं बाज़ार, आप लोग इधर ही वेट करें। तो जी हम लोग आज के सामान ले गए, तो ये बस ले गया ना था रोज़गार की जमशीदी की एक बोतल ले गए, और ये लेमन चाहिए थे ये भी ले आए, बाकी चीनी वगैरह जो जो सामान चाहिए वो तो हम जो है ना घर में ही है। मैं बाज़ार गया हुआ था, लेमन मैं कम लेके आया था, लेमन भी लेके आया हूँ और अफजाल की जो है ना दूसरी बड़ी बोतल भी ले आया हूँ। और मैं बार बार जो है ना रू अफजाल बोल रहा हूँ है ये जमशीदी, जमशीदी, और वो माशाल्लाह सामने देखिए चांद कितना प्यारा लग रहा है। और अभी शाम हो चुकी है, मगरब की नमाज़ का भी टाइम होने वाला है। खैर आज की वीडियो तो अभी यहीं पे ख़त्म करते हैं, अभी जो है ना आज की वीडियो बहुत जो है ना बड़ी लंबी हो गई है वीडियो, तो हरियान पीछे मुझे तंग कर रहे हैं, मोबाइल भी ऐसे ऐसे हाथ मार रहा है कि मैंने मोबाइल लेना है। तो इसी के साथ आज के व्लॉग करते हैं यहीं पर ख़त्म, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा, मिलते हैं कल वाले व्लॉग में, तो उसी व्लॉग में आपको सब कुछ बताया जाएगा। अल्लाह हाफिज़।